प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से। तो चलिए हम देखते हैं क्या रिक्रूटमेंट आया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी हुए हैं, क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशंस मांगा हुआ है एंड क्या इसमें वर्क एक्सपीरियंस है। तो चलिए हम देखते हैं, जैसे कि सेक्शन इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर के लिए बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 14 है एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये जॉब है एंड इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो 3 इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा और हायर इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट सीजीपीए फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। वर्क एक्सपीरियंस के लिए बात करें तो एप्लीकेंट शुड हैव एक्सपीरियंस इन कंस्ट्रक्शन ऑफ वेडक्ट एंड एलिवेटेड रीजन के लिए ये बात हो रही है। अगर हम बात करें सेक्शन इंजीनियर जूनियर इंजीनियर के लिए तो कैंडिडेट मस्ट बी डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग 3 इयर्स एंड ऑटोकैड सर्टिफिकेशन आपका होना चाहिए। एप्लीकेंट शुड हैव एक्सपीरियंस इन प्रिपेरेशन ऑफ आर्किटेक्चुरल ड्राइंग एंड स्ट्रक्चुरल ड्राइंग आपका होना चाहिए एंड जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो कितनी यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। अगर हम यहाँ पे सेक्शन इंजीनियर जूनियर इंजीनियर के लिए बात करें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एंड नंबर ऑफ पोस्ट कितनी 2 है एंड जो सेंसल क्वालिफिकेशंस मांगा हुआ है वो कैंडिडेट मस्ट बी एन ITI डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए एंड 3 इयर्स डिप्लोमा फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। एप्लीकेंट शुड हैव एक्सपीरियंस ऑफ सर्वे वर्क लेटेस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट मेट्रो रेल रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की ओर से। ओके, अगर हम बात करें सेक्शन इंजीनियर ग्रेड 1 एंड जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2 के लिए तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है यहाँ पे 18 एंड जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी 4 एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी हो गई 1। ओके, एज लिमिट के लिए बात करें तो जो मिनिमम एज लिमिट मांगा हुआ 21 इयर्स, रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट एज अंडर एप्लीकेंट। यहाँ पे बात हो रही है मेल फीमेल के लिए एंड जो कैटेगरी वाइज यहाँ पे बात हो रही है मैक्सिमम एज लिमिट फॉर नॉन एमपी डोमिसाइल एप्लीकेंट के लिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें पे स्केल एंड ग्रेड एप्लीकेबल फॉर पोस्ट सेक्शन इंजीनियर जूनियर इंजीनियर के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे जो पे स्केल है वो 35,000 एंड 1,10,000 तक आपकी सैलरी है सेक्शन इंजीनियर ग्रेड 1 जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2 के लिए। अगर हम बात करें तो वर्किंग इन रेलवे एट लेवल 6 इन CDA पे स्केल 35,400 एंड 11। ठीक है, ये आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा। जूनियर इंजीनियर के लिए यही है कि वर्किंग इन इक्विवेलेंट सुपरवाइजर ग्रेड 2 और अब इन मेट्रो रेल रीजनल रैपिड ट्रांजिट हो गया मिनिमम 3 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट आपका होना चाहिए एंड जो पे स्केल है वो 40,000 पर मंथ एंड मिनिमम 3 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड इन प्राइवेट मेट्रो रेल सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री विद मिनिमम CTC 50,000 पर मंथ। जनरल कंडीशन के लिए बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट इंडिकेटिव अबव मे वेरी बेस्ड ऑन फर्दर असाइनमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट। मेट्रो मीन्स मेट्रो रेल सिस्टम हो गया, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन एन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड आफ्टर। ठीक है, एक्सपीरियंस एंड एज विल बी रिकॉग्नाइजेशन के लिए बात हो रही है। हाउ टू अप्लाई फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, तो एलिविजन एंड विलिंग कैंडिडेट फॉर द एफोरसाइट फॉर द पोस्ट रिक्वायर्ड। ओके, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.mpmetrorail.com की साइट पे जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट आर अप्लाइंग थ्रू वेबसाइट www.mponline.government की साइट पे जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर लेना है। ठीक है, अगर हम बात करें ये पोर्टल चार्जेस के बारे में बात करें कि आपकी फी कितनी बार लगने वाली, तो एमपी ऑनलाइन पोर्टल का चार्ज 170 रुपए है एंड 18% GST के लिए बात हो रही है यहाँ पे। कैंडिडेट हैज फॉलोइंग ऑप्शन पेमेंट क्रेडिट डेबिट। ठीक है, से आपके पेमेंट कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए यहाँ पे बात हो रही है, जैसे एमपी MRCL रिजर्व द राइट टू शॉर्टलिस्टेड। ओके, आप लोग रीड कर लीजिएगा, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है। तो गाइस, आज की इस जॉब अपडेट में हमने यहाँ पे देखा कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या मांगा हुआ है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है, तो वो सारी डिटेल्स के बारे में हमने डिस्कस कर ली। अदरवाइज आप लोगों को डाउट आता तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करके अपने डाउट्स को क्लियर कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।